जी आइए फटाफट कीजिए, आ जाइए आ जाइए सर, इधर आ इधर आ जी उम्मीदवार निकल रहे हैं यहाँ, है ना? और ऐसा ही हार फूल जो है बड़े पैमाने में हम सब लोग मिलकर पहनाएंगे जीतने के बाद। कार्यालय का उद्घाटन किया तो क्या इस बारे में कहना? कार्यालय का उद्घाटन तो बहुत लेट हो गया। मैं हमारे जो ऑफिस बेरर बैठे हैं मुंबई के पदाधिकारी, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे और पहले चालू करना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश लेट हो गया। और अरविंद केजरीवाल साहब की जो पॉलिसी है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए, आम आदमी की पॉलिसी क्या है उसके लिए कार्यालय की ज़रूरत थी। खास करके कुर्ला में कोई कार्यालय नहीं था इसलिए इस कार्यालय को खोला गया है और आम आदमी के जो भी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ है उसको एक कॉमन आदमी, एक जो आम आदमी तक पहुंचाया जाएगा। और जन जिसे दूसरी पार्टियां हैं जो आम आदमी को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, उनसे पैसे की उगाही कर रही हैं, उस चीज़ को रोकने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। और इसके लिए ये कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। आज हमारे देशमुख साहब, हमारे तिवारी साहब यहाँ आए हैं और इस कार्यालय का इनके हाथ से उद्घाटन हुआ है। तो इसमें जो है अभी पार्टी का काम, मैं रोज़ 12 घंटा तो डेली होना ही होना है किसी हाल में, और मेंबरशिप जितना होगा ज़्यादा ज़्यादा हम बनाएंगे और घर घर में लोगों तक पहुंचेंगे और पार्टी को बढ़ाएंगे। क्योंकि बॉम्बे के अंदर मैं हूं केजरीवाल करके एक कैंपेनिंग हमारा चालू है, तो उसके तहत अभी हमारे 4,500 मेंबर यहाँ 4,600 बन चुके हैं और हमारा टारगेट 10,000 मेंबर बनाने का है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम 10,000 मेंबर पहुँचेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। तो सर महाराष्ट्र में आप आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए ऐसा है कि हमारी पार्टी चूंकि नहीं है यहाँ, हमारे पास जिस और पार्टियों के मुकाबले से संसाधन की कमी है, लेकिन जो एक आम आदमी की ताकत है वो हमको मिल रही है, इसलिए हम बहुत जल्द उस गोल को, उस चीज़ को अचीव करेंगे। लोगों को जोड़ने के लिए जो हमारे दिल्ली में और पंजाब में जो हमारी सरकार काम कर रही है, केजरीवाल साहब जैसे कि मुफ्त मेडिकल है, 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, पानी फ्री है, औरतों के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, वो सब जो प्रोग्राम्स है जो दिल्ली में हो रहे हैं, दिल्ली चूंकि हमारी राजधानी है तो वहाँ के जो भी प्रोग्राम्स हैं वो हम यहाँ के लोगों को बताएंगे। और हमारी सरकार बनेगी या हम BMC में जीत के आएंगे या विधानसभा में, तो हम उस चीज़ को लागू करेंगे। इस तरह की पोस्ट है आपकी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र नहीं, आप मुंबई से रिलेटेड बात करिए, महाराष्ट्र यूनिट अलग है। ऐसा बेटा देखो, महाराष्ट्र को रिलेटेड इशू, महाराष्ट्र के नेता हैं। मैं पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, मैं पार्टी ने मुझे मतलब वार्ड अध्यक्ष मनोनीत किया है, अपॉइंट किया है, और आम आदमी की पॉलिसी दूसरी पार्टियों से डिफरेंट है। जैसे मैंने अभी बताया, इसमें वार्ड अध्यक्ष उसी को बनाया जाता है, एक्टिव वार्ड प्रेसिडेंट, जिसको उम्मीदवारी पार्टी देती है और पार्टी उनको कहती है काम करो,
दूसरी पार्टियों की तरह ये नहीं रहता कि लास्ट मोमेंट तक गैस पर रखती है और बाद में ए फॉर्म बी फॉर्म मिला कि नहीं मिला, रात ही रात बदल गए। हमारी पार्टी का कहना है कि पहले से उम्मीदवार डिक्लेयर करके उनको मेहनत करने का मौका देते हैं। सर, मेरा एक प्रश्न आपसे है, कुरला में देखा जाए तो अनगिनत समस्याएं हैं जी। कुरला का नाम लेते ही लोग कुरला के नाम से अलग तरह का जो फील करते हैं, कुरला में गंदगी है, तमाम है। तो आखिर यहाँ पे नगर सेवकों ने, आमदार ने क्या काम किया, आम आदमी पार्टी किस तरह से कुरला की जनता के लिए आवाज़ उठाएगी? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो नगर सेवक है उन्होंने वाकई कुछ भी काम नहीं किया। एजुकेशन फील्ड में कोई काम नहीं हो गया और सोशल हिसाब से आप देखेंगे सोशल बैकग्राउंड भी बहुत ही बुरा रहा, कुछ भी काम नहीं किया है लोगों ने। सिर्फ यहाँ गटर नाली साफ किया है और उसके पैसे खाए हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक जो हमारी ऑफिस के बगल में जो आप देख रहे हैं प्योर ब्लॉक लगा है, इसको एक दिन तोड़ने के लिए आए और तोड़ दिया उन लोगों ने। तोड़ने के बाद हमने देखा वही पुराना ब्लॉक लगा रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा रे ये तुम लगा रहे, तो हमारे कार्यकर्ता अशफाक खान ने फौरन एक्शन लिया और हम लोगों ने फिर वो नया प्योर ब्लॉक ला के लगाया। यानी अब ये देखिए कि दिन दहाड़े वो लोगों के ना अब जो है आँख में धूल झोंक रहे हैं और कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं तो हर नगर सेवक से पूछना चाहूँगा कि तीन काम ऐसे बताएं जो लोगों से रिलेटेड हो। अरे तुम गटर साफ कर रहे हो, तुम लेटरिन बना रहे हो, कुछ भी नहीं। ये तो हमारे केजरीवाल साहब की देन है, जो ये मुफ्त फ्री दवाखाने वगैरह है उसी की कॉपी अभी लोगों ने चालू किया है अपला दवाखाना के नाम से। ठीक है, कम से कम हमारी नकल में तो कुछ कर रहे हैं लोग, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं। और ज़्यादा दिन अस्थायी तौर पे मुझे नहीं लगता ये लोग ये सर्विस दे पाएंगे, अगर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यही कहूँगा कि कुरला में अगर हमारी लोग जीत के आते या बॉम्बे लेवल पर, तो हम लोग जो BMC के जो फ़ायदे हैं वो एक साधारण एक कॉमन एक आम आदमी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो या कुछ भी हो प्रोग्राम। देशमुख साहब और तिवारी साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे बॉम्बे के पदाधिकारी हैं, और आपको और भी जो जानकारी लेना है आप ले सकते हैं। सर, क्या कहेंगे मुंबई में किस तरह से आम आदमी पार्टी को मजबूती करने के लिए किस तरह से आप लोगों ने अभियान छेड़ रखा है? आज यहाँ पे कुरला में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो किस तरह से जो है तैयारी आप लोग चल रही है? मराठी में बोलूँ? नहीं नहीं, हिंदी में। हिंदी में ऐसा है, आज यहाँ पर वार्ड नंबर 168 के हमारे जो वार्ड अध्यक्ष हैं एडवोकेट वसीम सिद्दीकी साहब, जिनके जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पर हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट सम्मानीय द्विजेंद्र तिवारी जी यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। ये आज मुंबई शहर में ज़्यादातर हम लोगों ने मतलब उम्मीदवार हमने घोषित कर दिए हैं और वहाँ पे हमने अपने जनसंपर्क कार्यालय खोल दिए हैं। हम आने वाले कल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आदेशों के अनुसार और मुंबई की अध्यक्ष हमारी सम्माननीय प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में मुंबई शहर में 227 वार्ड हो या 236 हो, हम सभी वार्डों पर लड़ने की हमारी पूरी तरह से तैयारी है। और जहाँ जहाँ हम लोग ऑफिस खोल रहे हैं वहाँ पे हम हमारा उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर रहे हैं। जैसे कि अभी सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हम अंधेरे में रख के नहीं, तो हम हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं और हमारा उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि हम चुनकर आने के बाद काम करेंगे ऐसा नहीं है। तो जहाँ जहाँ हमने वार्ड प्रेसिडेंट हमारे डिक्लेयर कर दिए हैं या जहाँ हमारी संगठन जहाँ अभी हर जगह पर मुंबई शहर में हमारा संगठन जो है वो रास्ते पर उतर के काम कर रहा है। कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि मुंबई शहर में एक मतलब प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में अदानी और मोदी है ना, इनका जो भ्रष्टाचार हुआ है बड़े पैमाने पे उसके खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा हम लोगों ने मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के लिया था और इसका मतलब माहौल पूरे देश में मतलब आप लोगों ने देखा होगा। तो आज सिर्फ इस देश के अंदर एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और सभी पार्टियाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उसके सामने सिर्फ अगर कोई पार्टी अगर लड़ रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ तो वो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी। तिवारी सर, अगला प्रश्न आपसे है कि दिल्ली बदली मुंबई की बारी है, तो आखिर मुंबई नाम के लिए बहुत खूबसूरत नाम मुंबई, लेकिन मुंबई में इतनी सारी समस्याएं हैं, आज अस्पतालों की हालत खराब है, तमाम तरह की ऐसी समस्या जो मुंबई का त्रस्त है, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की जो है मुंबईकरों की एक निगाहें हैं कि देखा जाए आम आदमी पार्टी अलग तरह की पार्टी है, तो कहीं जो है जनता की जिस तरह से दिल्ली में तमाम तरह के जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, तो मुंबई में किस तरह का आगे बदलाव हो, क्या कहेंगे सर? जैसा कि आपने कहा कि आम आदमी पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है, बिल्कुल अलग तरह की पार्टी है,
क्योंकि ये पार्टी कुछ लक्ष्य लेकर चलती है। हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, हमारा लक्ष्य सत्ता के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो अल्टीमेट एम हमारा जो है व्यवस्था परिवर्तन है, उसके लिए सत्ता की जरूरत होती है। और इसीलिए मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में इस बार हम लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, पिछले 30-40 साल से घूम फिर करके एक दो पार्टियों का राज है। 30 साल से शिवसेना बीजेपी का राज रहा है, 2-4 साल अभी शिवसेना अलग हुई है, उसके पहले कुछ समय कांग्रेस का राज था। लेकिन मुंबई जहां की तहां है, मुंबई की समस्याएं जहां की तहां है, इनको कौन हल करेगा? तो आम जनता के प्रति जो हमारी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को न तो कांग्रेस पूरा कर रही है, न बीजेपी कर रही है, न पुरानी वाली जो एकीकृत शिवसेना थी न उसने किया। तो ऐसे में लोग क्या चाहते हैं? लोग परिवर्तन चाहते हैं। और हम ये महसूस कर रहे हैं जब हम घर घर में जा रहे हैं, जैसा हमारे वार्ड 168 के हमारे जो अध्यक्ष हैं वसीम सिद्दीकी साहब, हमारे उपाध्यक्ष महमूद देशमुख साहब ने जो बात कही कि लोग इतनी तेजी के साथ तैयार हैं कि कैसे मुंबई की व्यवस्था बदली जाए, वो इंतजार कर रहे हैं कोई ऐसा विकल्प आए। अभी तक उनके पास विकल्प नहीं था क्योंकि हम मैदान में नहीं थे, आज हम मैदान में हैं तो उनके पास एक विकल्प है। वो विकल्प के नाते हमारी जिम्मेदारी ये है कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में हम पूरी तैयारी से लड़ें और ये जितनी भ्रष्ट पार्टियां हैं इनको सत्ता से बाहर करें। और लोग तैयार हैं, हम ये कहेंगे कि ये लोग तैयार हैं, सिर्फ हमें पहुंचने की जरूरत है और हम पहुंच रहे हैं। हमारे 1.5 लाख से ऊपर के हमारे सदस्य बन गए हैं मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में, अकेले मुंबई में। तो ये छोटी बात नहीं है, 1.25 करोड़ की आबादी मुंबई में, अगर हमारे 1.5 लाख से भी, जो अभी कंटिन्यूस चल रहा है और भी मेंबर बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में लोग आकुलता से, व्याकुलता से हमारा इंतजार कर रहे हैं और चाहते हैं जो दिल्ली में हमने किया वही करिश्मा हम मुंबई में भी करें। सर, आपको नहीं लगता कि मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में सर बहुत स्वार्थवादी राजनीति हो रही है, अपने फायदे के लिए राजनीति हो रही है, तो इसमें आम आदमी पार्टी की एक अलग तरह की जो है लोगों की आस लगी हुई है, तो किस तरह से बदलाव देखा जाए? तो मुंबई महाराष्ट्र कितनी आप लोगों ने जो चिन्हित किया है कि मुंबई महानगर पालिका में 236-227 कितनी सीटें जो है आम आदमी पार्टी की जीत सकती है, जो आगे जो है आप अभियान चलाएंगे? जी, मैं आपको बड़े दावे के साथ, बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहूँगा कि मुंबई महानगर पालिका में अगला महापौर आम आदमी पार्टी का हो, ये मैं आपको दावे के साथ और विश्वास के साथ कहता हूँ। उसका कारण ये है कि मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में लोग जिस बदलाव की उम्मीद हैं, उस बदलाव के लिए हम तैयार हैं और जनता भी तैयार है, और वो बदलाव होकर रहेगा। और जहाँ तक जो आपने कहा कि स्वार्थ की राजनीति और लूटमार की राजनीति, तो ये दुर्भाग्य है मुंबई का कि इस देश की ये आर्थिक राजधानी है, और मैं आज ऐसे इलाके में हूँ जहाँ ढंग से सड़कें नहीं हैं, बारिश में ये डूब जाता है ये शहर। ये शर्म की बात है कि 240 करोड़ का फ्लैट खरीदने वाला वो वेल्सपन का मालिक जब बरसात में बाहर निकलेगा और 3 करोड़ की गाड़ी लेकर निकलेगा, तो उसकी भी गाड़ी बारिश में वैसे ही फंसेगी जैसे गरीब आदमी की साइकिल फंसती है। तो ये समस्या किसी गरीब अमीर की नहीं है, समस्या ये है कि जितना भ्रष्टाचार हुआ है पिछले 30-40 साल में, उस वजह से देश की आर्थिक राजधानी शर्मनाक रूप से इस हालात में पहुंच गई है कि यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो इस हालात को बदलने का जो काम है वो हम, और सिर्फ हम यानी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और हमारी मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन नहीं कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। सर, मेरा एक लास्ट प्रश्न है, चूंकि आप मुंबई के एक सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी, उनको सोशल मीडिया पर किस तरह से जो है जोर देने के लिए, किस तरह से जो समाज के अंदर बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं जो मुंबई शहर को, उनको किस तरह सोशल मीडिया के जरिए जो है जनता के अंदर लाया जाए? तो चूंकि आप तो सीनियर जर्नलिस्ट, किस तरह से लोगों को जो है ये करेंगे? सत्ता से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मैंने कही,
सत्ता परिवर्तन के लिए जो भी टूल्स होते हैं, जो भी हथियार होते हैं, उन सारे हथियारों का इस्तेमाल हमारी पार्टी के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सामान्य से सामान्य, बड़े से बड़े नेता बहुत बखूबी करना जानते हैं और करते हैं। आप दिल्ली से लेकर मुंबई तक हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैं, उनके माध्यम से जन जागरण करते हैं, उनके माध्यम से समस्याएं उठाते हैं। अगर हमारे कार्यकर्ताओं के आप ट्विटर या फेसबुक पे अगर आप देखें, खास करके ट्विटर में आवाज़ जल्दी सुनाई पड़ती है, तो हमारे कार्यकर्ता ट्विटर के माध्यम से कहीं कोई समस्या होती है उसे जाकर फोटो खींच करके, वीडियो खींच करके उसे लोड करते हैं, बीएमसी को कंप्लेंट करते हैं और वो समस्या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे अख्तियार में जो चीज़ें हैं वो हम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता करते हैं और हमारे नेता करते हैं। तो हमें हर टूल, हर हथियार का इस्तेमाल करना आता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब हम हर तरह से तैयार हैं तो मुंबई में सत्ता परिवर्तन अटल है।